छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में दिखाई देती हैं। वहीं सोशल मीडिया ब्लॉग के जरिए दीपिका अपने फैंस को अपनी निजी ज़िंदगी की लेटेस्ट अपडेट देती नजर आती हैं। छोटे पर्दे पर कामयाबी का मुकाम हासिल करने के बाद दीपिका काफ़ी पॉपुलर होती दिखाई दी। वहीं इन दिनों दीपिका अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ इंजॉय करती दिखाई दे रही हैं। दीपिका कक्कड़ ने साल 2011 में पायलट रौनक के साथ शादी रचाई थी। उसी साल में एक्ट्रेस ने हिट शो ससुराल सिमर का मेन हीरोइन के तौर पर शुरुआत की थी। बता दें, एक्ट्रेस की शादी महज 4 साल ही चल पाई थी, जिसके बाद साल 2015 में उनका तलाक हो गया था, जिसका असली कारण आज तक कोई जान नहीं पाया है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे दीपिका के पहले तलाक की वजह, जिसको जानकर शायद आप हैरान हो जाए। ऐसा कहा जाता है दीपिका कक्कड़ का तलाक कॉम्प्लिकेशंस इशू की वजह से हुआ था, जबकि कई लोगों का ये भी मानना है कि उनकी पहली शादी टूटने का कारण उनके दूसरे पति और शो के को एक्टर शोएब इब्राहिम थे। ससुराल सिमर का टीवी सीरियल में शोएब इब्राहिम दीपिका कक्कड़ के साथ ऑन स्क्रीन पति का किरदार निभाते नजर आए थे, जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि सेट पर दीपिका और शोएब की नज़दीकियाँ लगातार बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी पहली पत्नी पर बुरा असर पड़ा था। हालांकि एक्ट्रेस हमेशा इस बात से इनकार करती आई हैं। वहीं दीपिका ने इशारों में कई बार ये बात कही कि उनकी पहली शादी का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है। आपको दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहें बॉलीवुड की हिस्ट्री।